तंग आ गई हूँ दामाद जी की हरकतों से। मैया, ये तो मेरा ब्याह करने के पहले सोचना था ना। कुसुम, अरे ये पानी का ड्रम यहाँ किसने रखा है? बहू, कौन लाया इसे यहाँ? मम्मी जी, ड्रम इसे कोई लाया नहीं, ये तो खुद आया है अंदर। सुनो, इधर आओ बेटा। बेटा, कभी तो अपने दिमाग के तवे पर अकलमंदी की रोटियां सेक लिया करो। कौन सी? ए, कुछ भी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब तुम ये कहोगी कि इसके पैर भी हैं और तुमने इसे खुद ब खुद चलते हुए आते देखा है? आपको कैसे पता मम्मी जी, मैंने तो इस पैर वाले ड्रम के साथ सेल्फी भी ली है। क्या? ड्रम के साथ सेल्फी? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी। सॉरी, ये तो मम्मी जी जब आप सोते हुए खराटे ले रही थी ना, तब ली थी, लेकिन ड्रम वाली सेल्फी मैं अभी दिखाती हूँ। ये रही, देखिए मम्मी जी। मैं ना कहती थी कि इस ड्रम के पैर भी है, ये खुद ब खुद चल के आया है यहाँ। कहाँ मैया, तू भी कुछ भी मान लेती है, ड्रम के पैर थोड़ी होते हैं। चलो जाओ, सब अपने कमरे में जाओ। कहा जीजे? एक्टर। सासू माँ, बचा लो, हम उपनवारी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलामी के नाम पे पता क्या कराता है, चालू गाड़ी में धक्का दिलवाता, अपनी सास की जुआ निकलवाता। सासू माँ, मना किया था ना कि मत खेलना जुआ, अब क्या करे, खेल लिया ना, अब तो माफ कर दो। तुम खुद खुशी करने जाओगी ना तो साथ में ले लेना, मरने से नहीं डरते हम, लेकिन ये बनवारी के बच्चे का कच्चा बनियान धोकर नहीं मर सकते। सासू माँ, सासू माँ, तुमको तुम्हारे होने वाले मोतियाबिंद ऑपरेशन की कसम। बंद करो अपनी नौटंकी, हर साल जुए में हारते हो, हर दिवाली हमारा ही दिवाला निकालते हो। इस बार एक रुपया नहीं दूंगी, तभी आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। चले जाओ। अरे हमें तो अंदर आने दो यार। जल्दी जल्दी जल्दी। कहीं से भी घुसने नहीं चाहिए बनवारी। अरे यार, अपने घर के जाले साफ करवा करवा के हमारी जिंदगी के उजाले खराब कर दिए उसने। दो घंटे में कितना काम करवा लिया उस बनवारी ने तुमसे? क्या बताएं सारे साहब, अपने चार बच्चों को हमारे कंधे पे बिठा दिया, बोलता है स्कूल छोड़ो। हम तो किस तरीके से भाग के निकले वहां से। क्या देख रहे हो, रेवड़ी बट रहा है? अबे खिड़की दरवाजे बंद करो, उछला उल्टा किसी के छत से भी लटक के देख सकता हमको। ये देखो क्या किया, देखो। अरे तेरी, तुम्हारी भाग्य रेखा तो बिल्कुल साफ हो गई जीजे, दिख रहा है कि अगले जन्म में भिखारी ही बनोगे। अरे यार, आधा भाग्य रेखा तो तुम्हारी बहन का पांव दबा दबा के खत्म हो गया था, जो बचा वो बनवारी ने अपने बीवी के पेटीकोट दुलवा के खत्म कर दिए। देखो साफ हो गया। अरे तो फिर किसने कहा था द्वितीय क्रीड़ा में खुद को दांव पे लगाने को? कौन क्रीड़ा? अबे जुए में खुद को दांव पे लगाने को। साले साहब माफ कर दो, 65,000 रुपए का मदद कर दो, कसम से बता रहे सासू माँ की कसम, 2070 तक जल्दी वापस कर देंगे। क्या? आ गया बनवारी। पंजीरी, उस्ते का सिल बट्टे को मिक्सी में पीस दो।
टमाटर पे पीसने को कहा था और टमाटर को मिक्सी में, इसने मिर्ची और टमाटर दोनों निकाल दिए। ए, सिलबट्टा तो नहीं मिक्सी में पीस दिया? ए, रुक रुक जरा। मैया 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 ये सब छोड़, पहले अपना पैर कलसी में से निकाल। निकल नहीं रहा है लल्ला। अरे भैया निकल जाएगा, उसको थोड़ा पैर टेढ़ा करके निकाल। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा कर ले, निकल जाएगा। हाँ कर, थोड़ा कर। लल्ला नहीं निकल रहा है। मैया घुमा तो सही उसको, निकलेगा। नहीं निकल रहा है लल्ला। अच्छा 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 मैया रुक 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 जा रुक जा, जा चल निकाल मैया निकाल मैया। हाँ जोर लगा के। अच्छा 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 भैया अच्छा 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 बस चलो भैया चल जोर लगाओ, जरा जोर लगाओ, खींचो 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 खींचो। नहीं निकल रहा है लल्ला। अरे फिक्र मत कर भैया, निकल जाएगा। एक बार करनी है, एक बार जुराब है जो आराम से खोल के फेंक देंगे। कलसी है भाई, दम तो लगाना पड़ेगा। बर्दाश्त कीजिए, जोर लगा के नहीं निकल रही है लल्ला। सासू माँ ये आपकी पुश्तैनी कलसी है, कहीं आपकी सासू माँ भूत बन के टांग में तो न लटक गई है? ज्यादा कहाँ हिल रही है? हिल रही है। साले साहब एक ही तरीका, काटनी पड़ेगी। हाँ जी जी कलसी काटनी पड़ेगी। अरे कलसी नहीं, हम टांग की बात कर रहे हैं भाई। ए, मेरी टांग है, कोई पतंग है जो काटनी पड़ेगी? हद कर दियो सासू माँ, भगवान ने दो दो सब कुछ दिया, दो आंख दिया, दो कान दिया, दो किडनी दिया, दो फेफड़े दिया, दो टांग का क्या करोगे? फुटबॉल खेलना है, लूडो ही तो खेलना है, उसके लिए दो हाथ है ना। वैसे नंदोई जी देखा जाए तो लूडो खेलने के लिए भी दो हाथों की क्या जरूरत है, एक हाथ से भी काम हो जाता है। काट दो। हाँ भी?